ये बहुत बड़ी लर्निंग है लोगों के लिए। सर आपका एक कॉन्सेप्ट है आईबीसी, और अभी यूट्यूब पे बहुत सारे आईबीसी अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि वो लाखों कमा रहे हैं। मतलब ये क्या है, कैसे ये लोगों की मदद करता है? आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, एक मॉडल। इसमें अगर किसी को कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, भाई पीछे खड़े हैं स्मार्ट रेड शर्ट के अंदर, अगर इनको भी एंटरप्रेन्योर बनना है आगे चल के, क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप करना है, तो इनको एक रगड़ की ट्रेनिंग चाहिए। एग्जैक्टली, रगड़ की ट्रेनिंग मतलब दबा के, कठोर, उठा पटक करके, इनको बिठा के, सिखा सिखा के, एक्शन करा करा के। तो आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको भी अपना स्टार्टअप बिल्ड करना है, बिजनेस करना है लाइफ में, उसको वो पहले अगर आईबीसी बन जाता है तो हम उसको पूरा एक साल तक खूब ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान वो थोड़ा पैसा भी कमा लेता है। अब कभी कभार वो पैसा उसको इतना अच्छा लगने लगता है कि वो स्टार्टअप नहीं बिल्ड करता है, आईबीसी बना रह जाता है, क्योंकि उसको 2-3-4-5 लाख रुपए महीना मिलने लग जाता है, तो वो फिर स्टार्टअप नहीं करता। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य ये था कि अगर किसी को जीवन में कुछ भी बिजनेस करना है तो एक साल आईबीसी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह है उसकी। Exactly. एक आर्मी ट्रेनिंग की तरह है। सिंगापुर में कॉलेज पास आउट होते ही हर बच्चे को, हर लड़के को 2 साल के लिए आर्मी में जाना जरूरी है। सिंगापुर उसी तरह से है जैसे अपना हिब्रू बोलने वाला देश कौन सा है, वो इसराइल। इसराइल में भी आपको हर एक को आर्मी में जाना पड़ता है। ऐसे अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करना है तो उसकी भी एक आर्मी होनी चाहिए जहां पे आपको रगड़ के कठोर ट्रेनिंग दी जाए। तो आईबीसी एक ट्रेनिंग है जहां पे उसको वो पैसा भी कमा लेता है ट्रेनिंग के दौरान। ऐसा ना हो कि भाई ट्रेनिंग ऐसी हो जाए कि मैं बस ट्रेनिंग चलते रहे और मेरे पास कोई जीविका सुरक्षित ना हो, तो उसकी जीविका भी सुरक्षित हो जाती है। Exactly. इसमें वो आगे चल के अपना हमारे कंटेंट को प्रमोट भी करता है, हमारे साथ पार्टनर बनता है, ग्रोथ लेता है। सर आपकी टीम आपसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती है, सामान्यतः कॉर्पोरेट्स में ऐसा होता नहीं है, आप ये कैसे कर पाए? एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। जब देखो, जब पर्पस मजबूत होता है तो प्रॉफिट वगैरह सब अपने आप आता है। एग्जैक्टली, पर्पस से प्रॉफिट पे जाना है। अब मैं आपको समझाता हूं, तीन बातें। एक तो मेरी कंपनी में जो मेरे सीनियर लीडर जितने भी सब एम्प्लॉयज हैं वो शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के, तो उनको लगता है मेरी कंपनी है। दूसरा, शेयर होल्डर होने के अलावा मैं उनको इन्वॉल्व रखता हूं। मैं खाली इन्फॉर्म नहीं करता तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, मैं उनसे पूछता हूं तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, आपका क्या विचार है क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मेरा विचार ऐसा है सर, ऐसा कर सकते हैं, एकदम गेम चेंज होगा। अरे बहुत बढ़िया आइडिया। अच्छा, वही आइडिया मैं देता, कहता यार बॉस अपनी बॉसगिरी चलाता है। अब वही आइडिया अब उसने दे दिया तो उसको लगता है देखो इस कंपनी में मेरी कितनी चलती है। तो आपको इन्वॉल्व करना है, इन्फॉर्म नहीं करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और जब आप ऐसा करते हैं, और दूसरा आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अच्छा रखना है जिसमें कॉमन पर्पस के थ्रू हो जाए। अब हिटलर ने जर्मनी को पूरी दुनिया के अगेंस्ट लड़ा दिया, छोटा सा जर्मनी कितना